नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने 2 साल पुराना केस दोबारा ओपन किया है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी माँ को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। यह केस बंद हो चुका था, तो फिर दोबारा 2 साल बाद क्यों ओपन किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। दरअसल अर्णब गोस्वामी ने लॉकडाउन से ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठाई थी, चाहे सुशांत केस हो या फिर कंगना वाला केस हो या फिर TRP स्कैम भी क्यों ना हो। सभी केस में रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को चारों तरफ से घेरा था, जिसका बदला लिया जा रहा है। यह साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है और एक पत्रकार की अभिव्यक्ति आज़ादी को खत्म करने में लगी है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था। अर्णब को 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की आत्महत्या के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला 2 साल पहले मतलब 2018 का है। इस मामले में अर्णब के साथ 2 आरोपी फिरोज मोहम्मद शेख और नितिश सारदा का भी नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस ने ICP की धारा 306 के तहत अर्णब को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप लगा है कि मई 2018 में उन्होंने 53 साल के अन्वय नायक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अन्वय ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अन्वय नायक ने लिखा था कि अर्णब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराने के बाद 5,40,00,000 का भुगतान नहीं किया, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज कर दिया था। बुधवार सुबह अर्णब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें शाम को रायगढ़ जिले के अलीबाग की अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि अर्णब के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दी है, जिस पर आज मुंबई कोर्ट में सुनवाई है। अगर अर्णब को आज जमानत नहीं मिली तो उन्हें 18 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि बीती रात अर्णब को जेल में ही रहना पड़ा था। अर्णब के खिलाफ पहले ही TRP स्कैम मामले की जांच चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।